नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सोहन शर्मा किचन किंग में। और आज हम बनाएंगे मारवाड़ी बेसन के पितौड़ की सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं मारवाड़ी बेसन के पितौड़ की सब्जी बनाना। देखिए, इस सब्जी के आगे पनीर की सब्जी भी फीकी लगती है, इतने शानदार पितौड़ बनते हैं ये, और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्जी। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए, और आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने एक कटोरी नॉर्मल कटोरी बेसन भर के लिया है, आप कप से लीजिए चाहे कटोरी से लीजिए। उसके अंदर मैं आधा कटोरी दही डाल रहा हूँ, आधा कटोरी दही डाल दिया है मैंने, ताज़ा फ्रेश दही है, और आधा कटोरी ही पानी डाल रहा हूँ। आप अगर छाछ लेते हैं तो एक कटोरी बेसन के अंदर दो कटोरी छाछ लेनी है। चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, चौथाई चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है, और आधा छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाला है, और आधा चम्मच मैं नमक डाल रहा हूँ, आप स्वाद अनुसार लीजिए। आधा चम्मच सौंफ डाली है मैंने, और एक चुटकी मैंने हींग डाली है। तो अब हमें इसको कंटिन्यू चलाते हुए, एक राउंड चलाना है इसको, कंटिन्यू इस तरीके से चलाते हुए मिला लेना है। अभी हम पानी इसमें और डालेंगे, एक कटोरी के अंदर दो कटोरी छाछ या पानी, मतलब डेढ़ कटोरी पानी, आधा कटोरी दही हो गया। अगर छाछ लेते हो तो दो कटोरी लीजिए। कंटिन्यू हिलाते हुए देखिए मिल चुका है बेसन, तो लम्स नहीं पड़े हैं इसके अंदर। तो अब हम पानी डाल देते हैं। पहले डाल देते तो लम्स या गुठले पड़ जाते इसके अंदर, इसलिए मैंने पहले नहीं डाला। तो आधा कटोरी दही और डेढ़ कटोरी पानी डाला है। तो चलिए इसको फैलाने के लिए एक थाली के ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। मैंने थाली ली है, प्लेटफॉर्म पे भी फैला सकते हो या अदरवाइज और किसी चीज़ पे भी आप फैला सकते हैं। टिश्यू से पोंछ देते हैं, ज़्यादा चिकनी थाली नहीं चाहिए। तो चलिए गैस को ऑन कर लिया है मैंने फुल फ्लेम पे, फुल आँच पे, और कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने। उसके अंदर हमारे पास जो बेसन का जो घोल है वो हमने इसके अंदर डाल दिया है, और अब हम इसको कंटिन्यू चलाएंगे। कम से कम 5-6 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो इस तरीके से आपको कंटिन्यू चलाते रहना है, गैस को फुल आंच पे रखना है। आगे मैं बताता हूँ इसकी कुछ ट्रिक है जिससे आप इसके अंदर लम्स या गुठले नहीं पड़ेंगे। तो चलिए इसको कंटिन्यू चलाते रहते हैं हम, 5 से 6 मिनट लग जाते हैं इसको बनने में। तो इस तरीके से कंटिन्यू चलाते रहना है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें। एक बार अगर बना लोगे तो पनीर खाना भूल जाएंगे। तो देखिए अब आपको क्या करना है, जैसे ही ये गाढ़ा होने लगता है, पहली बात, जैसे इस तरीके से ये लम्स जैसे आपको दिखाई देने लगता है तो आपको गैस को कम कर देना है। अब गैस को कम करने के बाद इसको कंटिन्यू चलाना है, इस तरीके से कंटिन्यू अच्छी तरीके से चलाना है, जल्दी जल्दी हाथ से चलाना है। ये लम्स मिट जाएंगे और ये गाढ़ा हो जाएगा। ये पहले स्टेप में ही लम्स पड़ते हैं, गुठले पड़ते हैं, बाद में नहीं पड़ेंगे। अब जैसे जैसे देखिए ये कितना क्रीमी हो गया है और लम्स बिल्कुल मिट चुके हैं, देखिए कितना क्रीमी हो गया है। तो अब हमको क्या करना है, आप स्टेप ध्यान में रखिए, गैस को वापस तेज कर देना है। गैस को मैंने वापस तेज आँच पर कर दिया, और अब आपको इसे कंटिन्यू चलाते रहना है जब तक इसमें बबल्स ना उठने लगे। तो देखिए अब इसके अंदर बबल्स उठने लगे हैं, और 5 मिनट हो गए करीब मुझे इसको पकाते हुए, और अब ये बिल्कुल क्रीमी नज़र आएगा आपको, एक घी जैसी चमक नज़र आने लग जाएगी आपको, और ये बिल्कुल ऐसे पेस्ट जैसा बन जाएगा। तो आप समझिए बिल्कुल तैयार है। अब ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल तैयार हो जाता है, तो आप इस तरीके से बना लीजिए। अब मैं इसको फटाफट थाली के ऊपर फैला देता हूँ, थोड़ी मोटी परत के अंदर फैलाना है, पतला नहीं फैलाना है, अगर पतले बनेंगे तो ग्रेवी के अंदर टूट जाएंगे। तो थोड़ी मोटी परत के अंदर आपको इसको फैलाना है। अब आप कटोरी लीजिए या कोई चम्मच से भी फैला सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए मैं डोसे की तरह इसको फैला रहा हूँ, थोड़ा फास्ट करना है, ठंडा होने के बाद ये फैलेगा नहीं, कटोरी के साथ साथ आप पीछे पीछे राउंड हो जाएगा, तो इसलिए आपको जल्दी जल्दी फैलाना है इसको। अब आपको जो ये लाइनिंग वगैरह दिख रही है ये ऊपर से थोड़ा पेटुलर या कोई पलटे से या उससे थोड़ी मिटा दीजिए, सही कर लीजिए ऊपर से, ताकि शाइनिंग अच्छी आए पितौड़ के अंदर। ये देखिए मैं पूरी तरीके से रेडी है, तो इसको ठंडा होने देते हैं और ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ये 200 ग्राम दही लिया मैंने फेटा हुआ, और ताज़ा फ्रेश दही है, इसको फेट लिया मैंने, आप छान भी सकते हैं। और ये 8-10 कली लहसुन है, एक चम्मच पेस्ट चाहिए लहसुन का, एक हरी मिर्ची, और 8-10 कड़ी पत्ते, और अदरक का टुकड़ा, और एक प्याज,
एक प्याज लिया, इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। प्याज को कद्दूकस कर लेना है आपको। मैं लहसुन प्याज डाल रहा हूँ, आप अगर लहसुन प्याज खाना पसंद नहीं करते तो आप इसे स्किप कर दीजिए। बिना लहसुन प्याज के भी ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है और लहसुन प्याज के साथ तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सारी चीज़ें तैयार है, प्याज को कद्दूकस कर लिया है, लहसुन का पेस्ट तैयार है, अदरक हरी मिर्ची को बारीक काट लिया, कड़ी पत्ता तैयार है, दही भी तैयार है, ग्रेवी की तैयारी हो चुकी है। तो तड़के की तैयारी कर लेते हैं। 2 बड़ी इलायची, 2-3 लौंग, 1/4 चम्मच जीरा और 8-10 कड़ी पत्ते बिल्कुल तैयार है। तो हम बनाते हैं अब पितौड़ की ग्रेवी। एक कढ़ाई चढ़ा दी मैंने, गैस को फुल आंच पे ऑन कर लिया है और इसके अंदर मैं देसी घी डाल रहा हूँ 3 बड़े चम्मच। आप तेल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे घी के अंदर ये झोली वाली सब्जी है जो दही की झोली की ज़्यादा अच्छी लगती है। तो तड़का डाल देते हैं, जीरा, लौंग और तेज पत्ता, बड़ी इलायची। जैसे ही घी गर्म हो गया मैंने तड़का डाल दिया। जैसे तड़का ब्राउन कलर का होने लगता है तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 बड़ी चम्मच मैं बेसन डाल रहा हूँ। 1 चम्मच मैंने बेसन डाला है, इस बेसन को 30 सेकेंड तक चलाना है। बेसन इसलिए डाला है, आप कहोगे बेसन क्यों डाला है, कि ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो थोड़ी क्रीमी रहे और दही हमारा फटे नहीं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 30 सेकेंड बाद मैंने लहसुन का पेस्ट, हमारे पास जो 1 चम्मच था वो मैंने डाल दिया है इसके अंदर, और अदरक हरी मिर्ची डाल दिया, इनको भी हम थोड़ी देर चला लेते हैं 5-10 सेकेंड। उसके बाद जो हमारे पास कद्दूकस के हुआ 1 प्याज था वो भी मैंने डाल दिया है। अब हमको क्या करना है कि इसको कंटिन्यू चलाते हुए हल्का ब्राउन होने तक पकाना है। इस तरीके से हमें इसको पकाना है, हल्का, जैसे ही हल्का ब्राउन हो जाए तो हम मसाला डाल देंगे। इस तरीके से 2-3 मिनट लगते हैं हल्का ब्राउन होने में। तो चलिए ये हल्का ब्राउन हो चुका है तो हम मसाला डाल देते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है मैंने छोटी वाली, और 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाला है, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। तो हम नमक अभी नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे इसके अंदर। जैसे इस मसाले को थोड़ा 30-35 सेकेंड पकाने के बाद हम इसके अंदर पानी डाल देते हैं, 1 गिलास। 1 गिलास पानी डाला है मैंने। पानी डालने के बाद हम इसे 2 मिनट पकाएंगे, जब तक इसमें 2-3 उबाली नहीं आ जाती। तो चलिए पानी डालने के बाद हम 2-3 मिनट पका चुके हैं इसे। 2-3 मिनट पकाने के बाद हम इसके अंदर दही डाल देते हैं। तो चलिए उबाली आ चुकी है, मसाला पक चुका है 2 मिनट, तो अब हम दही डाल देते हैं। हमारे पास जो 200 ग्राम दही था फेटा हुआ वो हम डाल देते हैं, दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, और 1 गिलास पानी हम और डाल देते हैं। और अब हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाली नहीं आ जाती। हमें बीच में छोड़ना नहीं है दोस्तों, इसलिए नहीं छोड़ना है कि बीच में अगर इसको हम छोड़ देंगे तो दही फट जाएगा, ग्रेवी अच्छी नहीं लगेगी, बिल्कुल क्रीमी ग्रेवी नहीं बनेगी, दही के अलग अलग दाने दाने नज़र आएंगे आपको। तो उबाली आने तक आप इसको कंटिन्यू चलाते रहिए, बिल्कुल ग्रेवी नहीं फटेगी और टेस्टी भी बनेगी। 3-4 मिनट के अंदर उबाली आ जाती है। उबाली आ गई है तो मैं नमक डाल रहा हूँ 1 चम्मच, आप स्वाद अनुसार लीजिए। अब नमक हमने डाल दिया है, उबाली आ चुकी है, तो अब इसको पकने देते हैं हम 1-2 मिनट, और पितौड़ को हम चेक करते, देखिए ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। तो 2-3 मिनट और पका लेते, पितौड़ को चेक कर लेते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए कितनी आसानी से उतर रहा है, बहुत ही बढ़िया बनता है ये, बहुत ही सॉफ्ट होता है, पनीर को भी मात देता है ये। तो इसकी कटिंग आप जैसे चाहे कर सकते हो, चौकोर पीस में भी कर सकते हो और कतली शेप में भी काट सकते हो, गोल शेप में भी, कोई ढक्कन वगैरह से भी आप इसको काट सकते हो, बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं कतली शेप में पितौड़ को काट लिया है और आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके से ये उतर भी बहुत आसानी से जाएंगे, देखिए कितनी शानदार ऐसे लग रहे पनीर के जैसे, बिल्कुल बहुत टेस्टी बनती है। लंच डिनर कभी भी बनाइए, फलका पूड़ी, चपाती, पराठा, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है ये, और बहुत पुराने ज़माने से बनती आ रही है ये। जैसे घर में कोई भी सब्जी नहीं होती है तो हमारे दिमाग में ऐसी सब्जियाँ आती है। तो पितौड़ बिल्कुल कटिंग हो चुकी है, बिल्कुल तैयार है। तो अब हम सारे जितने भी पितौड़ थे वो सब ग्रेवी के अंदर डाल देते हैं। 2 मिनट ग्रेवी पक चुकी है।
सारे पितौड़ डालने के बाद हम इसे उबाले आने तक 1 मिनट पकाएंगे। 1 मिनट में उबाली आ जाएगी और सब्जी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये लौंग, बड़ी इलायची, तेजपत्ता जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसे निकाल दीजिए और हरा धनिया डाल दीजिए। सब्जी बिल्कुल रेडी है। आप बनाइए और मुझे बताइए कि ये सब्जी आपको कैसी लगी। और वीडियो पसंद आता है, सब्जी पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूले। और पहली बार चैनल हमारा देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को दबाइए। और बनाते रहिए, खाते रहिए, बताते रहिए। मिलता हूँ फिर मैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार आप सभी को, प्यार भरा मेरी तरफ से।